ये जो डिजाइन होता है वो आइडेंटिकल कंडीशन में होता है, लैब में प्रॉपर टेम्परेचर ये वगैरह सीट प्रॉपर किया गया, हाँ मगर तुम्हारा साइट में जो है सब सारा ओवर साइज इलीगल है, श्योर उसमें फाइन क्या ना 100% ओवर साइज है। अब ये कुछ बता रहा है, ठीक है चलो, ऐसा कुछ आइडेंटिकल कंडीशन में लैब में काम होता है प्रॉपरली सीट वगैरह करके ये करके वो करके, तो उसके लिए मेरा M30 मेरा रिक्वायरमेंट है, टारगेट भी मैं मेरा M30 रखेगा, तो अल्टीमेटली वो साइट पे आते आते वो क्वालिटी स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ डिटोरिएट कर जाएगा। तो मेरा अगर रिक्वायरमेंट है M30 तो उसमें एक फैक्टर है जो मैं मल्टीप्लाई करेगा, जो इसको बोलते हैं मेरा टारगेट स्ट्रेंथ, उतना एक्सेस मेरा टारगेट होना चाहिए। अगर वो फैक्टर है कितना M30 चाहिए, M30 प्लस 1.65 इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन, 30 का स्टैंडर्ड डिविएशन है 5, तो मेरा रिक्वायरमेंट होगा 30 प्लस 1.65 इनटू 5 दैट इज 8.25 एक्स्ट्रा, 1.65 इनटू ये 30 से लेके M60 तक स्टैंडर्ड डिविएशन अज्यूम करने के लिए बोला है 5, 20-25 के लिए 4, 10 और 15 के डिजाइन के लिए 3.5, तो हम लोग मतलब 30 का डिजाइन कर रहा है, इसका अज्यूम स्टैंडर्ड डिविएशन है 5, तो 1.65 इनटू 5 दैट इज 8.25 प्लस ग्रेड मतलब 30, मतलब मेरा हम लोग का रिक्वायरमेंट हो गया 38.25 दैट इज कॉल्ड टारगेट स्ट्रेंथ, मतलब 28 दिन के बाद जो ट्रायल में ट्यूब जो भरेगा M30 कंप्लीट के लिए उसमें मेरा रिजल्ट मिनिमम आना चाहिए 38.25, तो हम वो तुम्हें यूज करने के लिए थर्ड पार्टी यूज करने के लिए देगा कि आप ये M30 के हिसाब से यूज कर सकते हो। ये गेट होता है अगर हम लोग का ये जो हम लोग किया 1500 या 155016 दैट इज बल्क डेंसिटी दैट इज DLBD ड्राई लूज बल्क डेंसिटी, एक जगह में कंटेनर में कितना रह जाएगा बल्क डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना पड़ता है एक मिक्स डिजाइन का कैलकुलेशन के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी का रिक्वायरमेंट है एंड वाटर एब्जॉर्प्शन का रिक्वायरमेंट।